स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 6B. क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय 4 and 8. यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये नंबर्स जो है 4 और 8 से डिविजिबल है. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 6000, इज 6000 डिविजिबल बाई 4 and 8? तो 4 में हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, और 8 में लास्ट 3 डिजिट देखते हैं. तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स है, जब हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे तो 00 है, लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे तब भी 00 है. ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन आ जाए कि 0 आ जाता है तो क्या होता है कि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है. ठीक है, लास्ट में क्या आ जा रहा है, 00 आ जा रहा है, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 4. लास्ट में यहाँ पे अगर लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, टेंस और वंस प्लेस देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दोनों प्लेस में 00 है. तो जब 00 रहता है मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल है. और 8 के लिए क्या देखते हैं, वंस, टेंस और 100 प्लेस देखते हैं. तो डैट वंस, टेंस और 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 ज़ीरोज़ है. जब 3 ज़ीरोज़ भी रहेगा तो भी वो 8 से डिविजिबल है, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाई 8 ऑल्सो, इट इज़ डिविजिबल बाई 8. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर 41084. तो पहले 4 का चेक करते हैं. तो 4 का चेक करेंगे तो पहले वंस और टेंस प्लेस देखेंगे. तो वंस और टेंस प्लेस से कौन सा डिजिट बन रहा है, 84 बन रहा है. तो 84 इज़ डिविजिबल बाई 4 21 टाइम्स में 2 डिजिट, जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो डिविजिबल है. मतलब ये जो नंबर है, दिस 41084, इट इज़ डिविजिबल बाई 4. इट इज़ डिविजिबल बाई 4. और लास्ट 3 डिजिट्स में क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स में वंस, टेंस और 100 प्लेस देखते हैं. तो वंस, टेंस और 100 प्लेस से क्या बन रहा नंबर, वंस पे 4 है, टेंस पे 8 है और 100 प्लेस पे 0 है. तो ये 0 इंक्लूड तो नहीं होगा, ये क्या बन गया, 84 बन गया. तो 84 तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है 8 से, वहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाएगा. दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8. तो दिस नंबर 41,084 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8. उसी तरह आगे भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, सी और डी भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 25 का डिविजिबिलिटी हम चेक करना है कि नंबर से 25 से डिविजिबल है कि नहीं. बी में 12 से डिविजिबल है कि नहीं, और सॉरी बी में 6 से डिविजिबल है कि नहीं, और सी में 12 से डिविजिबल है कि नहीं. तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. ए 6125 बाई 25. 6125 का 25 से डिविजिबल है. तो 25 से डिविजिबल होने के लिए ये रूल है कि वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, अगर वो 25 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है. ठीक है, क्या रूल, 25 से डिविजिबल होने के लिए अगर वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, अगर वो जो नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल है 25 से, मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है 25 से. तो यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस से क्या बन रहा है, वंस और टेंस प्लेस से 25 बन रहा है. तो 25 to 25 से डिविजिबल है वन टाइम. सो दिस नंबर 6125, इट इज़ डिविजिबल बाई 25. इट इज़ डिविजिबल बाई 25. एक और क्या है उसमें, 50105 क्या डिविजिबल है, 50105. तो 25 से डिविजिबल होने के लिए वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से जो नंबर फॉर्म करेगा, अगर वो डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा. तो वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से क्या नंबर बन रहा है हमारे यहाँ पे बन रहा है सिर्फ 5 बन रहा है. बट 5 टू नॉट डिविजिबल बाई 25, 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 25. सो दिस नंबर 50105, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 25. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 25. ठीक है, 25 का हम लोग क्या रूल देखें, अगर वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से जो नंबर फॉर्म करेगा, अगर वो नंबर डिविजिबल होगा, मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा 25 से. 6 का रूल क्या है, 6 का रूल है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. ये तो आप लोग जानते ही है, 6 का पढ़े हैं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए.
ठीक है, तभी वो नंबर सिक्स से भी डिविजिबल होगा। ट्वेल्व का रूल है, ट्वेल्व का रूल है कि थ्री और फोर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, थ्री से भी डिविजिबल होना चाहिए और फोर से भी डिविजिबल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 3032 चेक करना है कि क्या ये 12 से डिविजिबल है। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले 3 से चेक करते हैं, तो 3 का रूल क्या है, 3 का रूल है कि डिजिट्स का सम निकालते हैं, दैट इज़ 3 + 0 + 3 + 2, दैट इज़ 3 + 0 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, इट इज़ नॉट Divisible by 3। और 4 का रूल क्या है, 4 का रूल है कि वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर फॉर्म करेगा, वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से जो नंबर फॉर्म करेगा, अगर वो डिविजिबल है मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो वंस और टेंस प्लेस से क्या नंबर फॉर्म कर रहा है, 32, इज 32 इज डिविजिबल बाई 4 8 टाइम्स, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, इट इज़ डिविजिबल बाई 4। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे 12 में, 12 में पढ़े थे कि 3 और 4 दोनों से होना चाहिए, ये 4 से तो हो जा रहा है डिविजिबल लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12, दोनों से यस होना चाहिए था, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12। ठीक है, जैसे 6 में होता है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, उसी तरह 12 में भी है कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू 4 नंबर, रिप्लेस द स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट, ये जो नंबर्स है यहाँ पे स्टार्स में, यहाँ पे कौन सा नंबर हम लोग इंसर्ट करेंगे कि ये नंबर्स जो है कौन सा नंबर होगा यहाँ पे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर, फिर यहाँ पे स्टार के जहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कौन सा फिल करेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगी, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, फिर यहाँ पे स्टार में कौन सा नंबर होगा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिट्स का सम निकालते हैं और फिर उस सम को 9 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखते हैं पहले जो नंबर जितने दिए हुए उनका सम कितना आ रहा है, डेट इज 7 + 8 = 15, 15 + 9 = 24, 24 + 10 ये दोनों 10 हो जाएगा, दैट इज़ 34 आ रहा है। अब 34 में 34 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 34 में क्या ऐड करेंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 34 में आगे आता है 36, 9 से डिविजिबल होने के लिए 36 डिविजिबल होता है। तो अगर यहाँ पे 2 रहता, अगर यहाँ पे 2 रहता मतलब, तो ये हो जाता सम कितना, 36 सम हो जाता, तब ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फिल करना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे होगा ताकि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो ये सम तो आ रहा हमारा 34, लेकिन 34 तो डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पे और क्या रहता तो हो जाता डिविजिबल, मतलब 2 रहता और, मतलब और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 36 होगा। तो 36 अगर रहता, यहाँ पे 2 रहता तो ये हो जाता सम 36 और वो 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाता। नाउ यहाँ पे 2 * 3 = 4 = 5, 3 का भी क्या रूल था कि डिजिट्स का सम निकालते थे, तो सम कितना आ रहा है, अगर यहाँ पे स्टार है मतलब ब्लैंक है, यहाँ पे 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10 एंड 10 + 4 = 14, 14 तो डिविजिबल है नहीं, तब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहेगा कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग अगर 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा वो 15, 3 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 7 * 5 * मे बी डिविजिबल बाई 4, 4 का क्या रूल है, 4 का रूल ये है कि वंस और टेंस प्लेस, हम लोग वंस और टेंस प्लेस के डिजिट्स जो नंबर बनेगा अगर वो डिविजिबल है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा, यहाँ पे ये तो टेंस प्लेस है, वंस प्लेस में ऐसा कौन सा नंबर हम लोग डालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए 52 जो होता है, 52 जो है वो 13 टाइम्स में डिविजिबल होता है। तो अगर यहाँ पे 2 रहेगा स्टार के जगह पे 2, डेट इज़ 52 हो जाएगा, तो वो 13 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा 4 से, मतलब पूरा नंबर जो 752 होगा वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो योर होमवर्क विल बी दैट यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इन योर मैथ्स कॉपी। थैंक यू।